डिंपल, जो जेवियर्स कॉलेज की सबसे हॉट लड़की थी, 3 पैग मारने के बाद अपने होश में ही नहीं थी। तभी वो अचानक गुस्से में बोल पड़ी, ये लकी में इतना एटीट्यूड किस बात का, औकात क्या है इसकी। लकी अपने कॉलेज का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का था। शायद इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले रईस लड़के लड़कियां लकी को पसंद नहीं करते थे। और उसी रात डिंपल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लकी, इस 5-स्टार पब में इसके पास इतने पैसे थे जो इसे यहाँ एंट्री मिल गई। गाइस, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस भिखारी के साथ पार्टी करूँ। आई एम लीविंग। इतना बोल डिंपल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो टकरा जाती है कुछ बिगड़ैल रईसजादों से, जिनमें से एक था लोकल MLA का बेटा। वो डिंपल का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, एक ड्रिंक हमारे साथ भी लगा ले। डिंपल घबरा जाती है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उस लड़के की नाक पर पड़ता है। घूंसा मारने वाला और कोई नहीं, लकी था। MLA के बेटे के दोस्त लकी पे झपटते हैं, लेकिन लकी उन सब पर भारी पड़ता है। वो लड़के वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन लकी की तारीफ करने के बजाय उसके दोस्त उसी पे भड़क जाते हैं। ये क्या किया लकी, वो लड़का MLA का बेटा है, तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि लकी MLA के घर जाके माफी मांगेगा। लकी इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन MLA के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब लकी को देख MLA अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़ लकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लकी भाई, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। ये देखते ही डिंपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, ये MLA लकी तुमसे इस तरह क्यों पेश आ रहा है, कौन हो तुम, ऐसा क्या राज है तुम्हारे बारे में जो कॉलेज में कोई नहीं जानता। क्या तुम कोई पैसे वाले हो जो गरीब होने का नाटक कर रहा है, या कोई बड़े क्रिमिनल हो लकी, क्या हो तुम। जानने के लिए आज ही सुने इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।